तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू अवर चैनल अखंड ज्ञान। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन, जिनके राइटर है अल्फोंसे डॉडेड। फॉर योर जनरल इन्फॉर्मेशन आई वॉन्ट टू से दैट दिस चैप्टर द लास्ट लेसन इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर क्लास 12th। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं, बकर बहुत हो गया। तो मूवी देखने से पहले आप लोग कहानी का ट्रेलर देख लो यार। यह कहानी है पुरानी, जब चल रहा था फ्रांस और प्रुशिया का युद्ध, और उस युद्ध में प्रुशिया का हुआ था विजय। तो भैया प्रुशिया बना था जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट से। तो आगे बताया गया है कि क्योंकि फ्रांस युद्ध में हर चुका था, तो बर्लिन से ऑर्डर आता है कि फ्रांस के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जैसे एल्सेस एंड लॉरेंस, वहां के स्कूलों में फ्रेंच की जगह जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। तो आगे हमारे ऑथर भैया इस चैप्टर के थ्रू हमें दो मैसेजेस देना चाहते हैं। पहला इम्पोर्टेंस यह है कि वॉर का इम्पैक्ट कॉमन लोगों पे क्या पड़ता है, और दूसरा मैसेज यह है कि उनके लिए उनका लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलो ट्रेलर को खत्म करते हैं और मूवी को स्टार्ट करते हैं। अरे एक मिनट रुको, यह है मेरा चैनल अखंड ज्ञान जिसमें एनिमेटेड वीडियोस अपलोड होती हैं। तो आगे इसी टाइप की वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब ठोक देना यार, कंजूसी नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ओ तेरी, आज फिर से स्कूल के लिए लेट हो गया मैं, और तो और मिस्टर हेमेल ने जो होमवर्क दिया है वो भी नहीं हुआ। यार मैं स्कूल ही क्यों जा रहा हूँ, बाहर का मौसम भी बड़ा सुहावना है। लेकिन यार फिर भी स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, हट। फिर इसके आगे हमारे फ्रांस भैया स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर रास्ते में टाउन हॉल पड़ता है। यार आज इतनी भीड़ क्यों है, जरूर कोई ना कोई बुरी खबर आई होगी, वैसे भी इसमें कोई अच्छी खबर आती नहीं है कभी। चलो छोड़ो, मुझे क्या, मुझे तो स्कूल के लिए लेट हो रहा है, हट अब भागना पड़ेगा। फिर फ्रांस स्कूल की ओर दौड़ते दौड़ते जाता है। फिर रास्ते में उसे कोई रोकता है और कहता है कि चिंता मत करो, तुम समय पे स्कूल पहुंच जाओगे, मतलब समझ जाओ टॉन्ट मार रहा था। मैं पागल हूं। फाइनली स्कूल पहुंच गया। यार लेकिन आज इतनी शांति क्यों लग रही है, बाकी दिन तो इतना हल्ला होता था। यहाँ पर फ्रांस इसलिए बोल रहा है क्योंकि जब बाकी दिन वह स्कूल के लिए लेट हो जाता था तो वह खिड़की से अंदर चला जाता था और शोर के कारण किसी को पता भी नहीं चलता था। लेकिन बेटे आज तो सिचुएशन अलग है, कैसे करेगा। फिर आगे फ्रांस खिड़की से अंदर की ओर देखता है तो वहाँ सारे बच्चे एकदम शांत बैठे हुए रहते हैं, और मिस्टर हेमेल अपने आर्म के अंडर एक आयरन रोलर पकड़े रहते हैं। यह सब देखकर फ्रांस समझ जाता है कि आज मैं गया। फ्रांस को देख के मेरे मन में एक ख्याल आता है, तो सुनो, जिस शिद्दत से मैंने किताब उठाने की कोशिश की है, क्या जिस शिद्दत से मैंने किताब उठाने की कोशिश की है, हाय एक एक लफ्ज ने मुझे सुलाने की कोशिश की है, कैसा लगा? कुछ भी। फिर जब फ्रांस क्लास के अंदर जाता है तो मिस्टर हेमेल बोलते हैं कि अच्छा वह फ्रांस तुम आ गए, हम लोग तुम्हारे बिना ही चालू करने वाले थे। तो फ्रांस थोड़ा सोचने लग गया, सर तो ऐसा बिहेव करता नहीं है कभी, छोड़ो पहले जाके बैठता हूँ। यार ये लोग इतने सीरियस क्यों हैं आज। तो होता क्या है, उसके सारे क्लासमेट एकदम सीरियस होते हैं और मिस्टर हेमेल नए कपड़े पहने हुए होते हैं, और एक बात, बैक बेंच की सीट पे गांव के कुछ लोग बैठे हुए होते हैं। फिर आगे मिस्टर हेमेल बोलते हैं कि मेरे बच्चों आज ही तुम्हारा फ्रेंच क्लास का लास्ट दिन है, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब से तुम लोग जर्मन पढ़ोगे, तो कल तुम्हारे नए टीचर आ जाएंगे। तो जैसे ही यह बात फ्रेंच सुनता है तो वह एकदम से शॉक हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि उसको खुद का लैंग्वेज ठीक से आता नहीं था। फिर आगे फ्रेंड्स बोलते हैं कि यह जो किताबें हैं ये मेरी पुरानी दोस्त हैं, भले ही तकलीफ देती हैं मुझे लेकिन आप उन गिव अप नहीं कर सकता। तो फिर आगे फ्रांस सूबे से जो भी उसके साथ हुआ उसको वह लिंक करने लग जाता है। फिर वो समझ जाता है जो नोटिस बोर्ड था उसके आसपास इतने भीड़ क्यों लगे हुए थे, और क्लास के बैक बेंच सीट पे गांव के लोग क्यों बैठे हुए थे, और वे लोग इसलिए आए थे क्योंकि वे अपने लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करते हैं, और वे मिस्टर हेमेल को भी रिस्पेक्ट देना चाहते थे क्योंकि मिस्टर हेमेल ने 40 साल तक पढ़ाया था। मिस्टर हेमेल ने नए कपड़े इसलिए पहने थे क्योंकि वे अपने लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देना चाहते थे। फिर आगे मिस्टर हेमेल फ्रेंड्स को कहते हैं कि अच्छा फ्रांस बेटा अब तुम्हारी पारी, पार्टिसिपल्स को रिसाइट करो। वो सर मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं आता। अरे बेटा डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगा। सोचो अगर जर्मन टीचर ये सब बात जानेंगे कि तुम्हें अपना मातृभाषा नहीं आता तो वे लोग क्या सोचेंगे, और वे लोग बोलेंगे कि तुम अपने आप को फ्रेंचमैन कैसे बोल सकते हो जब तुम्हें अपनी मातृभाषा नहीं आता। अच्छा छोड़ो, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो हम सबकी है,
हम किसी भी चीज को एकदम ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे कि तुम्हारे माँ बाप चाहते थे कि तुम स्कूल मत जाओ बल्कि किसी फार्म में जाओ ताकि पैसा मिल सके। और एक मैं, जब मुझे फिशिंग करनी होती थी तो मैं छुट्टी दे देता था, नहीं तो प्लांट्स में पानी डालने बोल देता था। भाई साहब, गलती तो हम सब की है, लेकिन तुम्हें फ्रेंच भाषा आनी चाहिए क्योंकि यह दुनिया का खूबसूरत सा लैंग्वेज है, एकदम ब्यूटीफुल सा। देखो, मैं तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी का गुलाम बनता है तो जो गुलाम बनता है वे लोग अपने मातृभाषा में बात कर सकें, ताकि सामने वाले को कुछ पता ना चल सके और तुम लोग अपना प्लान बनाओ और वहां से आजाद हो जाओ। कैसा लगा प्लान? फिर आगे मिस्टर हैमिल ग्रामर पढ़ाते हैं, फिर फ्रांस बोलता है कि आइला, सर इतना अच्छा कैसे पढ़ा रहे, ऐसा लग रहा है कि सर को जितना भी आता है वो सब कुछ पढ़ा रहे हैं। फिर जैसे ही उन लोग का ग्रामर कंप्लीट होता है, उन लोग का राइटिंग सेक्शन चालू हो जाता है, और इसके लिए मिस्टर हैमिल बच्चों के लिए कॉपीज लाए होते हैं, और उन कॉपीज में लिखा हुआ होता है फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। फिर सब लोग किताबों में लिखते हैं और क्लास का माहौल एकदम शांत होता है। फिर फ्रांस रूफटॉप में कबूतरों को देखता है और सोचने लग जाता है कि क्या ये जर्मन लोग उन लोगों को जर्मन में गाना गाना बोलेंगे। और यहाँ पर जो कबूतर है वे सिंबल है फ्रीडम के, जो कि लॉरेन एंड एल्सेस के लोगों के पास नहीं है। फिर फ्रांस मिस्टर हैमिल की ओर देखते हुए कहते हैं कि बेचारे मिस्टर हैमिल को कितना ज्यादा दुख हो रहा होगा, उन्होंने कितने सालों से इस स्कूल में पढ़ाया है। स्कूल के गार्डन के प्लांट्स बड़े होते जा रहे हैं और बेंचेस स्मूथ होते जा रही हैं, इसके अलावा कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। इसके बाद उन लोगों का हिस्ट्री का क्लास होता है जिसमें वे लोग रीडिंग करते हैं, वो भी जोर जोर से, जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब रीडिंग करते हैं, और उनके साथ हसर्स भी रिसाइट करते हैं, क्योंकि हसर्स की आवाज़ थोड़ी ब्रेक होके आ रही थी तो लोगों को थोड़ा हंसी भी आ रहा था और एक तरफ से रोना भी। एक तरफ से उनको गिल्टी भी हो रहा था क्योंकि उन्होंने अपने लैंग्वेज को आज तक इससे पहले कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, और दूसरी तरफ जिस हिसाब से वे लोग अभी रीडिंग कर रहे हैं उससे उनको थोड़ी हंसी भी आ रही है। तो फ्रेंड्स बोलता है कि यही है मेरा लास्ट लेसन। फिर घड़ी में 12 बज चुके थे, मतलब कि छुट्टी होने का समय हो गया था। तो मिस्टर हैमिल उनसे कुछ कहना चाहते थे लेकिन वो कह नहीं पा रहे थे। तो फिर मिस्टर हैमिल बोर्ड में लिखते हैं कि वीव ले फ्रांस। उसके बाद मिस्टर हैमिल ऐसा इशारा करते हैं जिसका मतलब यह है कि स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, मतलब कि आप लोग जा सकते हो। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर बात करें स्टोरी के कंक्लूजन की, तो वो यह होगा कि कैसे एक लैंग्वेज लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंस होता है। तो चलो यहाँ पर अपन लोग एंड अप करते हैं। तो स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी हुई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।